प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल रखने का ऐलान किया। रोहतांग टनल हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह लद्दाख और कश्मीर को जोड़ेगी। अब यह टनल टनल के नाम से जानी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस टनल से इलाके का विकास होगा, इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। खास बात यह है कि इस टनल को बनाने का फैसला अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बने रहने के दौरान ही लिया गया था। वाजपेयी अक्सर मनाली जाया करते थे और इस टनल की प्रगति पर खास नजर बनाए हुए थे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीधे इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहा था। बताया जा रहा है कि टनल सितंबर 2020 तक शुरू हो जाएगा। अटल टनल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इसकी लंबाई करीब 8.8 किलोमीटर है। टनल बनने के बाद ये विश्व में इतनी ऊंचाई पर बनी इकलौती सबसे लंबी टनल होगी। इस टनल की चौड़ाई 10.5 मीटर है। इसके दोनों ओर 1 मीटर का फुटपाथ बनाया जाएगा। इस टनल के भीतर अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल पाएंगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस टनल से होकर हर दिन करीब 3,000 कारें और 1,500 ट्रक गुजरेंगे। पीर पंजाल की पहाड़ियों को काटकर इस टनल को बनाया जा रहा है। इस टनल के बन जाने के बाद मनाली और लेह की दूरी करीब 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की करोड़ों की बचत होगी। इससे हिमाचल और लेह लद्दाख के वैसे इलाके भी सालों भर खुले रहेंगे जो सर्दियों के मौसम में 6 महीने तक के लिए देश के दूसरे हिस्सों में कट जाते हैं। भारत की सैन्य ताकत के लिहाज से भी यह टनल खासा महत्वपूर्ण है। इससे होकर भारतीय सेना सर्दियों में भी आराम से लेह लद्दाख के दुर्गम इलाकों तक पहुंच जाएगी। फिलहाल इन इलाकों में सेना को पहुंचाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डट अटल टनल पर तेजी से काम चल रहा है। करीब 3,000 मजदूर और 650 स्थायी कर्मचारी दिन रात इस टनल को बनाने में लगे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मुख्य तौर पर इस प्रोजेक्ट पर लगा है। इस प्रोजेक्ट को 4 साल पहले ही पूरा कर लिया जाता, लेकिन टनल में अचानक से अधिक मात्रा में पानी आ जाने के काम से काम प्रभावित हुआ था। इस टनल के बारे में सबसे पहले 1990 में सोचा गया। मई 1990 में इस टनल को लेकर एक स्टडी रिपोर्ट जारी हुई। इस टनल को लेकर जून 1994 में भौगोलिक रिपोर्ट दी गई। टनल के डिजाइन और बाकी विशेषताओं को लेकर दिसंबर 1996 में एक रिपोर्ट सौंपी गई। 2003 में इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। इसके बाद सुरक्षा मामलों की केंद्रीय कमेटी ने इस प्रोजेक्ट को 2005 में मंजूरी दी। प्रोजेक्ट के लिए 2007 में टेंडर जारी किए गए, जिसके बाद 28 जुलाई 2010 को इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। 1 फरवरी 2015 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इस टनल में सफर के दौरान कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होगी। हर 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा होगी। हर 60 मीटर पर आग बुझाने का यंत्र लगा होगा। हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास की व्यवस्था होगी। हर किलोमीटर पर हवा की क्वालिटी जांचने वाला यंत्र लगा होगा। इस टनल में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लगा होगा। हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, साथ ही किसी भी घटना का अपने आप पता लगाने वाले यंत्र भी लगे होंगे। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। ये सिर्फ हिमाचल या लेह लद्दाख इतना सीमित नहीं है, एक प्रकार से अटल जी के विजन का पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम महत्व है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये अटल जी ही थे
जिन्होंने इस टनल के महत्व को समझा और उसके निर्माण का मार्ग बनाया था। अटल जी के नाम पर इस टनल का नामकरण होना, हिमाचल के प्रति उनके लगाव और अटल जी के प्रति आप सभी के आदर और असीम प्यार का भी प्रतीक है। साथियों, मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि मैं उन दिनों में संगठन का काम करता था, हिमाचल में रहा करता था, और जब भी अटल जी का मनाली आना होता था प्रधानमंत्री के रूप में भी, तो स्वाभाविक रूप से एक संगठन की जिम्मेवारी होने के कारण मैं भी वहां रहता था। और ये जो सारा मंथन चला था इस कार्यक्रम का, इस योजना का, तो मुझे भी बड़ी नजदीक से, बड़ी बारीकी से इन चीजों को सुनने का, समझने का मौका मिला था। तब कभी सोचा भी नहीं था कि आज मुझे अटल जी के उस सपने को अटल जी के नाम से जोड़ने का आज सौभाग्य मिलेगा। करगिल के युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से, स्ट्रैटेजिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था कि हमें नई व्यवस्थाएं विकसित करनी होगी। और अब सुरक्षा की दृष्टि से तो अनेक अनेक प्रकार के इसके महत्वपूर्ण आयाम है, लेकिन साथ साथ लेह लद्दाख और करगिल, ये एक टनल वहां का भाग्य बदल देगी। ऐसा जेबीडी बैंकवेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंकवेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंकवेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।